अव्वल हमद सुनावे इलाही ते जो मालिक हर हर दा उस दा नाम जितारन वाला ते किसे मैदान ना हरदा अस्सलातु वस्सलाम अलैका सैयदिया रसूलल्लाह वअलालिका वसहाबिका या खैर खल्किल्लाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जीशान उठो, जीशान नमाज पढ़ लो, उठो ना, आज तो नमाज पढ़ लो, आज मैं अपना टेस्ट करवाने जा रही हूँ। उठो, नमाज पढ़ो और दुआ करो। दुआ तो मैं हर वक्त करता रहता, नमाज तो पढ़ो ना। या मेरे अल्लाह, इस पागल औरत का टेस्ट पॉजिटिव और इसे मां बनाने के साथ साथ थोड़ी सी अकल भी दे दे। आमीन सुम्मा आमीन। तुम्हारी वाली नमाज नहीं थी शान, मैंने अल्लाह को याद कर लिया ना, सो मेरी नमाज हो गई। तुम अल्लाह मियां से अरबी में बातें करती हो, मैं उर्दू में करता हूँ। मैं बातें नहीं करती, मैं तो हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की कनीज हूँ, अपनी तरफ से नमाज नहीं पढ़ती। अच्छा बाबा, मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। कौन सा टेस्ट करवाना है जी? मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना है।
कलवंजी, जो कलवंजी के नाम से पहचानी जाती है, दूध में इसका लेप मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं तो चंद ही दिनों में आपका चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। और इसके साथ हम आपको फैशन नहीं, इस वक्त वो घर पर नहीं, कोई टेस्ट वेस्ट करवाने गई। वैसे भी मैं बीबी को बीबी की जगह पर रखता हूं। सर पर नहीं। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय। सॉरी, किसी लड़की का फोन था क्या? किसी फैन का फोन था। तुम और तुम्हारी कंजर्वेटिव सोच। टेस्ट करवाई? हाँ, अब रिजल्ट का भी मालूम हो जाएगा फोन पर। और तुम मेरी सोच को कंजर्वेटिव क्यों कह रहे हो? तो क्या मॉडर्न सोच का? कभी आईने में अपना हुलिया देखा? ये सर पर सकार, ये फुल बाजू के कपड़े, अरे खूबसूरती तो अच्छी प्रेजेंटेशन का नाम है। तुमने कितनी बार कहा है कि लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहना करो। क्यों, क्या बुराई है इन कपड़ों में? तुम नहीं समझोगी। देखो, मैं टीवी पर ख्वातीन के ब्यूटी और फैशन के प्रोग्राम कर, और मेरी अपनी ही बीवी इतने कंजर्वेटिव कपड़े पहनती है। ये भी तो एक स्टाइल है, हिजाबी स्टाइल। जिशान, आपको नमाज पढ़ के खाना दे दूं? इंतजार कर लेंगे आप? नहीं, पहले खाना लगा दो, मुझे देर हो रही है। पता नहीं आप नमाज की अहमियत को कदर कैसे समझे। फिर शुरू होगी ना। तुमने नमाज को मुझ पर फोकियत देने का हथकंडा बना रखा है, और ये तुम्हारी एहसासे कमतरी है। मेरा नमाज अदा करने का अपना तरीका है। मैं तुम्हारी तरह नमाज को रस्म के तौर पर अदा नहीं करता। रस्म? क्या है तुम्हारी नमाज? पहले सीधे खड़े हो जाओ, उसके बाद थोड़ा सा झुको और अरबी में कुछ पढ़ो, उसके बाद फिर खड़े हो जाओ, फिर दो मर्तबा अपने माथे को जमीन पर टेको। मुझे इन सब चीजों की कभी भी समझ नहीं आई, और सारी नमाज है भी अरबी में। अरबी ना तुम्हारी जबान है ना मेरी जबान है। मैं भी नमाज पढ़ता हूँ हर रोज एक बार, किसी कोने में जाकर अपनी बातें अपनी जबान में अपने रब से करता हूँ। ये है दिल से नमाज, जिसे तुम रस्म कहते हो वो इश्क़े मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने सर को झुका दिया तो हमने भी सर झुका दिया। जब वो सीधे खड़े हुए तो हम भी खड़े हुए। उन्होंने दो सजदे किए तो हमने भी दो ही सजदे किए, ना एक कम ना एक ज्यादा। उन्होंने अरबी में नमाज पढ़ी तो हमने भी अरबी में ही नमाज। तुम्हारी नमाज में ना इश्के नबी है ना यादें नबी। वो नमाज नमाज नहीं होती जिसमें यादें नबी ना। ये तुम नहीं, तुम्हारा हसद बोल रहा है। जब भी मेरी किसी फैन का फोन आता है तुम कोई ना कोई बहस लेकर बैठ जाती हो। मैं आज भी लेट हूं, तुम ऐसा करना कि प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट जो है वो SMS कर देना। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव हुई तो सुबह मिठाई खिलाऊंगा। खाना तो पूरा खा ले। बस काफी है। देखो, thank you.
पॉजिटिव? पॉजिटिव? आर यू श्योर कि रिजल्ट पॉजिटिव है? मेरा प्रेगनेंसी रिसीव नंबर है 15609. अब प्लीज मैडम एक बार फिर चेक कर लीजिए. पॉजिटिव. थैंक यू सो मच. पॉजिटिव. पॉजिटिव. अल्लाहुम्म सल्ले अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद. शिशा तुम बाप बने. अल्लाह करे बेटी प्यारी सी नेक सी आका के गुलशन की महक महक. अब तुम जल्दी से आ जाओ. तुमने खबर ही ऐसी सुना. और वैसे भी डॉक्टर साबिर से मिलना बहुत जरूरी था. बहुत अच्छे गायन है. मेरी एक फैन के हस्बैंड है वो. जद्दल हुसैनी तुमने क्या लगा? देख नहीं रही थी कितना अच्छा माहौल बन रहा था. अच्छी चीज ही तो लगाई है. रामिया तुम्हें तो मैं नहीं सुधार सकता लेकिन अपने बच्चे की तरबियत मैं ही करूंगा. बिल्कुल नहीं. मैं उसे ऐसा बनाऊंगी जैसे कि एक मुसलमान को होना चाहिए. मैं उसे नमाज पढ़ने से नहीं रोकूंगा. लेकिन तुम उसे नबी के बारे में भी तो कुछ नहीं बताओगे ना. तो तुम उसे सुनने नहीं दोगे और नबी का जिक्र आएगा तो तुम उसके कानों में उंगलियां दे दोगे. इश्क नबी है तो रूह नमाज है और बगैर इश्क के नमाज बेईमानी हो जाएगी. और अगर ये इश्क ना हो तो तुम्हारी तरह नमाज उर्दू में पढ़ लें या पंजाबी में क्या फर्क पड़ता है? जब भी तुम मेरी फैंस को देखती हो कोई ना कोई बहस लेकर बैठ जाती हो. मुझे तो तुम साइको लगती हो. पागल. बिल्कुल पागल. डॉक्टर साहब से तुम्हारा ये वाला चेकअप हो जाए फिर मैं किसी नफसियाती डॉक्टर से तुम्हारा चेकअप करवाता हूँ. मुझे तो लगता है शायद तुम्हारी माँ की बीमारी का असर तुम पर भी है. पागल कहा? अगर वो पागल नहीं थी तो तुम्हारे भाइयों ने उसे पागल खाने में क्यों? मैं अपनी माँ को पागल खाने. फिर भी इस औरत ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात उसी पागल खाने में गुजारे और अब तुम भी पागलों वाली हरकतें कर रहे हो. मैंने ऐसा क्या किया है? मैं पागल नहीं हूँ. तुम पागल नहीं हो तो हो जाओ. अगर इसी तरह जमाने की रवैये से अलग थलग होकर रहोगी तो
हो? बाहर कोई तो है। बाहर तो कोई नहीं। तुम यहां से बाहर निकलो और आकर सो जाओ। शान, मैंने देखा है उसे। कामिनी, तुम्हें मेरी तवज्जो चाहिए थी, सो मैंने तुम्हें दे दी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं टीवी के प्रोग्राम में अपनी फैंस से न मिलूं? मैंने ऐसा कब कहा है? अच्छा बाबा, तुमने ऐसा नहीं कहा। प्लीज बाहर आ जाओ, मुझे भी सोने दो और खुद भी सो दो। शाबाश, कोई नहीं है, आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं है। सो जाओ और प्लीज अब मुझे ना। ये मुहम्मदी है, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त हूं। ये वो मखलूक हैं जिन्हें जिंदगी के पर्दों ने तुमसे छुपा रखा था। मौत के बाद बहुत से पर्दे खुद बहुत उड़ जाते हैं। मौत? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये इन डॉक्टरों से मिली हुई है। हम जिंदा हैं। अभी तक तो जिंदा हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम दोनों कोमा में हो। जिंदगी और मौत के बीच हमारी माँ की बीमारी का असर तुम पर भी है।
तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। मैं टीवी का एंकर हूँ, फैशन के हवाले से बहुत मुफीद मशवरे देता हूँ मैं, बहुत सी लड़कियाँ मेरी फैन हैं। आप कौन है? मैं तुम्हारी नमाज हूँ, तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी गवाही मैं दूंगी। कैसी गवाही? मोहम्मदी होने की गवाही। मोहम्मदी होने की गवाही नमाज से बेहतर कौन दे सकता है? और मेरी गवाही कौन देगा? अगर मोहम्मदी तरीके पर चलते तो तुम्हारी गवाही तुम्हारी नमाज ही देती। जिसकी गवाही कोई ना दे उनके साथ क्या करते हैं ये लोग? बहुत बुरा ठिकाना है और लगता है तुम्हारा वक्त भी पूरा हो चुका है। नहीं, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तेरे कम आने नहीं तेरे प्यारे, तेरे सावा दे सो दे विक जाने सारे, तेरे सावा दे सो दे विक जाने सारे। जदों आए दरते, जदों आए दरते अजल दे व्यापारी, ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी, ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी। निबांदा नहीं यारी, निबांदा नहीं यारी, कोई उम्र सारी, ए दो दिन दा मेला, ए दो दिन दी यारी। कितने अच्छे इंसान थे, कितनी प्यारी बातें करते थे। अभी कल ही तो बात हुई थी मेरी उनसे, वो तो भाभी दरवाजे पर आ गई और उन्होंने फोन रख दिया। 3 दिन पहले वाला प्रोग्राम देखा था दिशांत का, जिसमें उसने ग्लैमर मेकअप करने के तरीके बताए थे। वो प्रोग्राम दिशांत ने मेरे रिक्वेस्ट पर किया था। यार क्या फिट प्रोग्राम था, अभी तक मुझे याद आ। तुम्हें ग्लैमरस मेकअप के तरीकों की क्या जरूरत है? ग्लैमरस मेकअप से खूबसूरत इंसान खूबसूरत तो नहीं हो जाता। खामोश खामोश, तुम लोगों को अगर मेरी बातें इतनी अच्छी लगती हैं तो मेरे लिए कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, दुरूद पढ़ो। तुम्हारी खाम खा की बातों से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। रामिया, इन लोगों का सलूक मेरे साथ बहुत बुरा है। ये लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, तुम्हारा इत्राम करते हैं, तो मुझे अपनी नमाजें दे दो। तुम अपनी दोस्त से कहो गवाही दे दे मेरी। अफसोस, सत अफसोस, तुम्हारे पास बहुत वक्त था, बहुत से मौके थे। काश काश के रहमतुल आलमीन को तुम सच्चे दिल से अपना आका मान लेते तो आज। मदीश के साथ है।
निशा आप कौन? आप मुझे कैसे जानते? मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम मेरे करीब आओ, आओ ना। तू मेरी सालत का जिम्मेदार है, तूने मुझे मशवरा दिया था ना कमीने, फास्ट कपड़े पहनो फैशन वाले, ये फैशन नहीं है आजकल ही ना, यहाँ तो निजाम चलाने वाले एक ही हस्ती के फैन है, काश मैं उस वक्त उनकी फैन होती तो मेरी नमाज मेरा हिजाब मेरी गवाही देते, पर तू मेरी इस हालत का क्या जिम्मेदार है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मेरी इस हालत की तू जिम्मेदार है जुड़ेल, तू। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, ना मैं तुझे देखता और ना मैं यहाँ आता, तूने मुझे देख के आंखें नीचे नहीं की तो इसमें मेरा क्या कसूर? तू सामने क्यों आती थी, क्यों आती थी सामने तू? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने तुम्हें आगाह किया था। हमने उनके साथ रिश्ते को मजबूत नहीं किया, गर असली बुलियाए इस गर्च आके तू लाना डेरा, जिड़े गर्च जाके तू लाना डेरा, जिड़े गर्च जाके तेरे ओस गर्दा, तेरे ओस गर्दा ना बुहाना बारी, ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दियारी, ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दियारी, निबादा नहीं यारी निबादा नहीं यारी कोई उम्र सारी, ए दो दिन दा मेला ए दो दिन दियारी। क्या ये लोग मुझे यहीं छोड़ देंगे? तुम तो मेरे साथ मेरी कब्र में चलोगी ना? देखो ना कितना खड़ा है, क्या क्या होगा मेरा? Oh!
मुजरिम से सवालात करने पर मालूम होता है कि ये खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की उम्मत में पैदा तो हुआ लेकिन उन्हें दिल से अपना मौला और आका तस्लीम नहीं किया, लिहाजा बाहुक्म बारी ताला इस पर अजाब के दरवाजे खोल दिए जाए। ये अजाब इस पर जारी रहेगा यहाँ तक के रोजे महशर इसका हतमी फैसला नहीं हो जाता, और अगर उस रोज भी रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की शफात से ये महरूम रहा तो इसका ठिकाना अबदी जहन्नुम होगा। तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। मुझे मेरा वकील चाहिए। मुझे अच्छा सा वकील दो। हाँ तुम लोग मुझसे मुझे हाथ नहीं लगाना। मेरे बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक आते हैं। शख्स
उसके ऐबों का चर्चा हो नहीं सकता, भरम जिसका नबी रखे, भरम जिसका नबी रखे, वो रुसवा हो नहीं सकता।